दिल्ली प्रपोजल्स। दिल्ली प्रपोजल्स पे सर कितने मार्क्स का सवाल आ सकता है? 4 मार्क्स। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है सर। 7 मार्क में आ गया तो फिर हम आपके साथ क्या करें बेटा? आप कुछ नहीं करिएगा, बस सबर करिएगा कि दिल्ली प्रपोजल्स में क्या आएगा। आ सकता है ऐसे 7 या 14 मार्क का, 7 मार्क का आ सकता है, आ सकता है, वो भी बहुत ही कम चांस है क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास दिल्ली प्रपोजल्स क्या है? 4 मार्क वाला टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। यहाँ पे डेट गलत लिखी हुई है, 1929 नहीं है, 1927। ऑब्वियस सी बात है दिल्ली प्रपोजल्स है तो कहाँ पर गए होंगे? दिल्ली के। अब ये हमारे पास क्या थी? कॉन्फ्रेंस थी मुस्लिम लीडर्स की और मोहम्मद अली जिना इसके अंदर ये करते हैं। मोहम्मद अली जिना उधर एक स्पीच देते हैं और उसके अंदर कुछ बातें करते हैं। 1927 के अंदर ये होता है, दिल्ली के अंदर होता है। मोहम्मद अली जिना एक कॉन्फ्रेंस होती है मुस्लिम लीडर्स की, उसके अंदर एक बात करते हैं। वो कुछ डिमांड्स करते हैं ब्रिटिश से। वो कर तो जो स्पीच दे रहे थे वो तो मुसलमानों के सामने दे रहे थे, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें डिमांड्स ब्रिटिश से ये डिमांड्स करनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने डिमांड ये रखी कि हमें सिंध को सेपरेट करना है फ्रॉम बॉम्बे। अब ये डिमांड शुरू हो गई है ना, अब ये डिमांड आप एंड तक पढ़ते रहो कि हमें सिंध को सेपरेट करो फ्रॉम बॉम्बे, क्योंकि सिंध मुस्लिम मेजोरिटी है, बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे अभी मुंबई, उससे क्या करो अलग कर दो। फिर इन्होंने बोला NWFP और बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दो, उनको प्रोविंस बनाओ। क्या बनाओ? प्रोविंस बनाओ। फिर इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स एंड पंजाब, मुस्लिम्स जो है पंजाब और बंगाल के अंदर है उसमें सीट्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर हमारे पास सीट ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उधर हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा है, 60% 70%, तो हमने ये बात कही कि मुस्लिम्स क्या है, हमने ये बात सोची कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये डिमांड करी कि हम ब्रिटिश से ये डिमांड करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा सीट्स हो। मतलब ये है कि सर अगर हमारे पास पंजाब के अंदर 100 लोग रहते थे, कितने लोग? 100 लोग, और 100 में से कितने मुसलमान थे? 100 में से थे 60-70 मुस्लिम, मेजोरिटी था पंजाब और बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, उधर 70 मुसलमान। अब वो ये रहा है कि हम बोल रहे हैं कि भाई अगर 70% पॉपुलेशन है ना तो हमें 72%, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर इतने परसेंट है तो उस परसेंटेज से ज्यादा सीट्स होनी चाहिए। तो मुसलमानों ने ये कहा कि पंजाब और बंगाल में सीट्स क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए पॉपुलेशन से, जितने भी परसेंटेज पॉपुलेशन है उससे ज्यादा होनी चाहिए, उतनी नहीं होनी चाहिए या उससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा कि अगर हमें 1/3 सीट्स मिल गई तो हम अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड्स छोड़ दें। 4 मार्क का सवाल आएगा कि दिल्ली प्रपोजल्स क्या है। दिल्ली प्रपोजल्स 1927 में आए। 1927 के अंदर दिल्ली के अंदर एक ऑल इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। मोहम्मद अली जिना उसके अंदर एक अपनी डिमांड सेट करते हैं, और वो सेट किसके अगेंस्ट करते हैं? ब्रिटिश के, कि ब्रिटिश रिफॉर्म्स बनाने वाला था। सर आपको कैसे पता चला ब्रिटिश रिफॉर्म्स बनाने वाला है? तो बेटा अगर आपने मेरी क्लास में गौर से पढ़ा होता और प्यार मोहब्बत से पढ़ा होता तो आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है कि हमारे पास जब 1909 में आया था तो हमने पढ़ा था इट वॉज द पॉलिसी के हर 10 साल के बाद रिफॉर्म आएगा। 1909 में मॉन्टेगु टू आया, 1919 में मॉन्टेगु चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, अब 1929 तक नए रिफॉर्म्स बनने थे। तो हमने सोचा कि हम अपनी डिमांड्स एटलीस्ट शो करते हैं कि हमारी डिमांड्स क्या है। तो जिन्होंने अपनी डिमांड शो करी और उसने कहा कि मुझे सिंध को सेपरेट करके दो फ्रॉम बॉम्बे, हम बॉम्बे के साथ नहीं रहेंगे। NWFP और बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दो, उनको प्रोविंस बनाओ। क्या बनाओ? प्रोविंस बनाओ। उसने कहा चलो सही है, बना, ये डिमांड्स करी। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान जो पंजाब और बंगाल के अंदर है उधर पॉपुलेशन से ज्यादा सीट्स, जितने भी परसेंटेज पॉपुलेशन उससे ज्यादा सीट्स। और तीसरी बात ये कही कि अगर 1/3 सीट हमें मिल गई तो हम अपनी सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, हम आपको माफ कर देंगे। तो ये डिमांड इन्होंने क्या करी? करी। तो ये चीजें हमारे पास, ये जब डिमांड हुई तो ये हमारे पास ये पूरी क्या थी, ये हमारे पास वो थी दिल्ली प्रपोजल्स की बातें। तो होपफुली आप लोगों को दिल्ली प्रपोजल समझ आ गया होगा कि क्या डिमांड्स करी हमने। Thank you.